हेलो एवरीवन। बेंगलोर में जो हमारा काम था वो काम हो गया। उसके अलावा हमने कुछ फन एंड मस्ती करा, तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। बट रास्ते में रहता इन्हीं हम पहुँच गए। जो हम पहुँचे, जो इस बार लॉन्च एक्सेस कर रहे हैं वो 080 लॉन्च है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लॉन्च है टिल डेट, जो भी मैंने लॉन्च अब तक एक्सेस करा हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रीमियम कार्ड एंड बड़े बड़े कार्ड को ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं, अलाउ ही नहीं करते हैं। प्लस ये लॉन्च जो है वो स्पा फैसिलिटी को भी सपोर्ट करता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल मैं कुछ ग्लिम्स दिखा देता हूँ इस एयरपोर्ट पे कि बहुत सारे फूड मेन्यूज एंड ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको फूड मेन्यूज एंड तरह तरह के वैरायटी के जो फूड है उसके लिए तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस लॉन्च पे। और यहाँ पे आप चाहें तो लाइव क्रिकेट मैच का मज़ा ले सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, और थोड़े बहुत स्टडी भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड जो ये लॉन्च है यहाँ पे आप थोड़े से प्रीमियम पे करने के बाद आप चाहें तो आप पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। लाइक जैसे फ्री में तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलता है, बट पेड है आप एडिशनल 1600 पे करके आप एड ऑन ड्रिंक ले सकते हैं। सो वो पेड सर्विसेज में आता है, सो आप चाहें तो ले सकते हैं। हमने अवेल नहीं किया, मुझे नहीं पता उसमें अनलिमिटेड है या कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, बट वो आप पता कर सकते हैं। सो हमने अवेल नहीं किया तो एग्जैक्टली मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। सो यहाँ पे आपको सीटिंग एरियाज इनफ मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्यू में रहना पड़ेगा। यहाँ बहुत स्पेसेस हैं, यहाँ के वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सो हमने यूज़ किया, ये अब तक का मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा किसी भी अब तक का लॉन्च में। ये कौन सा लॉन्च है बेंगलोर पे जिसके अंदर वेल्थ बरगंडी कोई भी डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है, लेकिन एक उसका नाम है टाटा नियो, उसके थ्रू इसमें लॉन्च हो सकता है। बाकी बड़े बड़े कार्ड को अलाउ नहीं किया। सो अभी के लिए लॉन्च है मैं एक थम्सअप, ये पुडिंग, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, फालूदा आइसक्रीम बहुत सही है, और बस और लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा भी है। और हमने कुछ थम्सअप भी लिया हुआ है। सो बराबर, और ये फ्रेंच लोग ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा, टेस्टी है कि नहीं? टेस्टी है। मस्त है, बहुत मस्त है। सो अभी बात करते हैं कि मैंने लॉन्च एक्सेस करने में मुझे बहुत सारी परेशानियां आई, वो मैं आपको बता देता हूं। तब तक आप लुक अराउंड भी देख सकते हो। सो एक्चुअली इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ मैं जस्ट लॉन्च एक्सेस करने के लिए गया, तो यहाँ मैंने बरगंडी डेबिट कार्ड और आपका वेल्थ डेबिट कार्ड IDFC का मैंने वो दिया, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट में सपोर्टेड है, मैंने वो डाल रखा है कि आप देख सकते हैं 080 डोमेस्टिक लॉन्च टर्मिनल 2 पे ये लॉन्च है और ये टोटली सपोर्टेड लॉन्च है, बट स्टिल इन्होंने डिनाई कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं फाइट कर सकता था इस बात को लेकर के, बट एंड जो पर्सन रहते हैं ना काउंटर पे वो काफ़ी रूड है, उनको बहुत पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है। बट आप कोशिश करें कि आप मल्टीपल कार्ड्स रखें, क्योंकि ये लॉन्च काफ़ी प्रीमियम है इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रहता है। सो यहाँ पे फैसिलिटी बहुत है, मैं टोटली एग्री करता हूँ, बट अगर आपका लॉन्च अगर सपोर्टेड है तो उसके ऊपर आप डिनाई कैसे कर सकते हो? इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इस लॉन्च में एक्सेस करने जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को जरूर रखिएगा। मैंने कैमरे का एंगल काफ़ी लो रखा है, रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की प्राइवेसी हट होगी अगर मैं एज ए वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। सो इसलिए मैंने थोड़े जितने हो सके मैं उतने फुटेज कैप्चर कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो अभी जैसे हम यहाँ रोम अराउंड कर रहे थे तो अभी हमें यही सेम लॉन्च के अंदर हमें अमेरिकन एक्सप्रेस का एक काउंटर मुझे दिख गया। एंड ये जो आप कार्ड मेरे हाथ में देख रहे हैं एक्चुअली एक डमी कार्ड है जो यहाँ पे काउंटर पे लोग रखते हैं दिखाने के लिए, एक्चुअली मेटल कार्ड है। सो ये जो सामने देख रहे हैं ये मेरा फ्रेंड है और ये भी मेरा फ्रेंड है। सो ये दोनों अप्लाई कर रहा है, इनफैक्ट कि हम लोग सभी अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि मेरा जो होम टाउन है वो है जमशेदपुर, और वहाँ पे जो अमेरिकन एक्सप्रेस का जो पिन कोड है वो सर्विसेबल नहीं है, तो मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो हम लोग टोटल चार थे, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, बाकी तीन कर सकते हैं। उनमें से दो लोगों को बिना किसी इनकम प्रूफ का ये मिल गया। एक और पॉइंट, एयरपोर्ट पे जो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं हाई चांसेस है जनरली वो मिल ही जाते हैं। और इनफैक्ट ये देख सकते हैं सामने जो मेरा फ्रेंड है वो KYC कर रहा है, वीडियो KYC, तो उन्होंने अप्लीकेशन फॉर्म इंस्टेंटली भर दिया, वीडियो KYC भी इंस्टेंटली इन्होंने कर दिया, और साथ के साथ इन्होंने बैंक पास है वो भी यानी वो बताते हैं किससे ना हाई चांसेस रहते हैं अप्रूवल होने के। कार्ड के लिए इन लोगों ने मुझसे नेम पूछा, फादर नेम एंड आधार डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, सब कुछ पूछ लिया, एंड वीडियो KYC के थ्रू सब कुछ वेरीफाई भी किया उन्होंने, एंड आपका सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ वीडियो KYC, उन्होंने कहा कि ऑफिस एड्रेस पे वेरिफिकेशन होगी, देन कार्ड डिलीवर होगा 4 to 5 डेज में रेजिडेंस एड्रेस पर।
बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ऑफिस वेरिफिकेशन हुआ, ना ही इनकम डॉक्यूमेंट मांगा, तो ये सारा चीजें ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। इनफैक्ट वहां से आने के 4-5 दिन के भीतर ये कार्ड डिलीवर्ड हो गया, एंड ये कार्ड आप सामने देख भी सकते हैं। इनफैक्ट एक फ्रेंड और मिल गया, पर दूसरे फ्रेंड को नहीं मिला। रीजन ये था कि उसका उसने इनकम जो है कुछ ज्यादा ही बता दिया, बिकॉज उसने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा लिमिट चाहिए, तो उसने 30 लाख इनकम दिखा दिया। तो जिसके कारण से हुआ ये कि अब इनकम डॉक्यूमेंट मांगने लगे हैं। अगर आप एक लिमिट अमाउंट में आप इनकम डालते हैं तो हाई चांसेस है कि मिल जाएगा। ओके, तो बात करें स्पा फैसिलिटी के लिए, तो जिस काउंटर से आप लॉन्च के लिए एक्सेस करेंगे वहीं पे आपको स्पा फैसिलिटी का काउंटर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ सबके चार्जेस वगैरह, अगर चाहें तो पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड के थ्रू भी ले सकते हैं। और मैं लॉन्च वाले जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उस वक्त मैं कैरी नहीं कर रहा था, मैंने कोशिश किया कि मेरे पास हो, बट वो सपोर्टेड मिला नहीं और मैं श्योर था बिकॉज मैं उस वक्त कैरी नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं ये ले नहीं पाया। तो अभी मैं इसके ऊपर मैं इस लॉन्च में मैंने वाईफाई फैसिलिटी भी मैंने यूज किया। वाईफाई कनेक्ट कीजिए, नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए, एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना है, उसके बाद देखिए कनेक्ट हो जाएगा। और ये कनेक्ट करने के बाद आप आराम से वाईफाई का यूज आप कर सकते हैं, एंड ये टोटली फ्री है। इस लॉन्च में करीब हमने 2 आवर्स तक स्टे करा, हमने सारी चीजें फैसिलिटी अवेल करी, कुछ सॉलिड फूड हमने खाया क्योंकि बिकॉज हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा था, तो दिल्ली हम लोग नाइट में पहुंचने वाले थे, तो हमने जो भी हो सकता था हमने फूड ले लिया, एंड उसके बाद ओवरऑल ये कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो आप भी कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो ओवरऑल ये कुछ हमारा एक्सपीरियंस है, और कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।